गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है संडे और मैं नहा धो के अभी रेडी हुआ हूँ। अभी मैं जाऊँगा जोहर की नमाज़ पढ़ने। मेरा आज भी रोज़ा है माशाल्लाह, और रोज़े कंप्लीट चल रहे हैं। आप लोग रोज़े रख रहे हैं या नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस, आप वीडियो वैसे ही प्यार अपना बनाए रखें, और मेरा सॉन्ग आ गया आपने, वो आप देख लेना। तो गाइस, आज संडे है, गौरव भैया ने आज सूट रखा है, जो कालीन भैया हैं उनका। उन्होंने कहा कि आज भाई मेरी को शॉर्ट्स रील्स बनवा दो चल के। तो कुछ जाना है लोहिया पार्क, जाएंगे वहाँ साइड, वहाँ शॉर्ट्स बनानी है। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहना, लोहिया पार्क हम लोग चलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ खाना देने के लिए, खाना दे के आऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे गौरव भैया से मिल। मैं जा रहा हूँ खाना देने के लिए दुकान पे, और फिर आके जाऊंगा मैं सूट पे। ये देखो, ये रहा टिफिन, पापा का सब होएगा, और अम्मा मेरी यहाँ बैठी। आज क्या बनाने वाली है तुम? इनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है, क्या बताने, कुछ नहीं बना रही मेरे लिए। चलो हम चलते हैं दुकान। गाइस, मैंने डाल लिया है एक स्कूल वाला गेटअप, और अभी नमाज पढ़ गया है, तो गौरव भैया जल्दी आओ फटाफट। गौरव भैया बाहर खड़े, हम लोग चलते हैं सूट पे आज। करें पता नहीं कौन शर्ट बना दी, बोलते हैं स्कूल का सूट हमने, चलते हैं। चलो जरा जरा ब्लॉग में तो मिल गया कैमरा बैग, और हम खड़े फूल बाग के बाहर, और गौरव भैया भी अपने साथ है। काली भैया, हाय हेलो कर देना गौरव भैया। तो आज हम लोग का सूट है, गौरव भैया ने स्क्रिप्ट टेक लिखी है, तो आज हम लोग करेंगे सूट, ठीक है। अभी एक लड़की आने वाली है, गौरव भैया ने बुलाई है, पता नहीं, देखें हम भी फर्स्ट टाइम देखेंगे कौन है कौन नहीं। तो जुड़े रहो गाइस, अपना कैमरा देखो कौन सा है, कैनन का यूज़ करते हैं हम लोग। चलो दो इधर को, चलो बच्ची है ना, ये साल कैमरा। अगर लोहिया पार्क के पीछे वाले गेट पे जादू भी है मेरे संगे, गौरव भैया भी हैं। और ये देखो, लोहिया पार्क का जो पीछे वाला गेट बंद रहता है, यहाँ एंट्री नहीं है। देखो यहाँ पे एकदम रहता है सन्नाटा, क्योंकि यहाँ है DM आवास। और देखो अपने साथ मोहित भी है, और भैया की हैप्पी होली बन चुकी है अभी से। दिखाओ इधर, तुम बोलो अभी सूट करे कितना कलर लगा दी। बाबू दिखा दे, तू दिखा दे, घूम जा। देखो इसको, अब से एक भाई भी अपना संग सब है। देखो तो गाइस, ब्लॉग में जुड़े रहो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी जा रहे अंदर, उल के जाएंगे। तो आज हम लोग गोल्डन बॉय से ही मिल चुके हैं फिर से दोबारा। पीछे पीछे गोल्डन बॉय ने आपने तो वो देखा ही होगा, सॉन्ग अभी आया था मैनपुरी का, उसमें गोल्डन भैया सबसे पहले लिया गया था। अच्छा लगा सॉन्ग जो बताओ, मैनपुरी सॉन्ग कैसा लगा? एकदम बहुत अच्छा, बढ़िया लगा जी। ले लो भैया, बच्चों की पहले सुनो, हम तो मिलते ही रहते हैं। चलो फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। मिलेंगे खूब धमाल। तो सारे बलून मेरे पास, ये सारे बलून हमने खरीद लिए हैं बिना पैसे दे के। व्यवहार है अपना, व्यवहार है। दोबारा आ जाए फोटो। हम आगे घर पे, हम नमाज पढ़ ली, और ये देखो कितना कुछ बना रही है मेरी अम्मी। बुखार में है, तबीयत खराब है, फिर भी मेरे लिए बना रही है। और फिर देखो मंगोड़े हैं, खाना ही बना रही हैं। और देखो ये हमने मस्जिद के लिए थाली सजा रहे हैं यहाँ बैठ के, और अभी शेकू भी आने वाला है, और अम्मी सीख रही हैं गर्मा गर्म आलू की कचौड़ियाँ, जो मुझे बहुत पसंद है। जाकर आलू कचौड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ब्लॉग में जुड़ो, फटाफट से दिया है अफतारी, अफतारी मस्जिद जाके, और अम्मी और भी बना रही हैं अब तक बैठ के। तम लेकिन अफतारी का सारा सामान लग चुका है, थोड़ा बहुत बनवाया, और शेकू भी आने वाला है, ज़्यादा नहीं बनवाया। और देखो गर्म गर्म कचौड़ी है, पापड़ हैं, और फुल्की वगैरह जो भी होती है वो सब है। तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। पटेल रियान भी आए हम लोग के संग रोज़ इफ्तार करने के लिए। रियान भी बहुत कुछ लेके आए मेरे लिए, देखो बिरयानी भी ले आए हैं, और पराठे और लेके आए। पराठे कौन खाता है यार इफ्तार के लिए? हम खाएंगे। चार शेखों भी आ गए बेटा बट से। चलो खोलते, अजान होने वाली है, एक मिनट बाकी। फाइनली गाइज, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के और फिर रोज़ा अफ्तार जो भी करके खोल के मैं गया था दुकान, दुकान बढ़ाने के लिए। और अभी वहाँ से आके आया हूँ, अब जा रहा हूँ तरावी और ईशा की नमाज पढ़ने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बताना कि आप लोग रोजे रख रहे हो या नहीं, और कैसा लगा ब्लॉग वो भी बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम लोग एक और मजेदार ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।